इसकी बैकग्राउंड में इतना जरूर समझना चाहिए कि वर्तमान सरकार ये हमारी दूसरी पारी की सरकार है। पहली पारी की सरकार हमने 2014 में बनाई थी और 5 साल लगातार पहली पारी के और 1 साल अब लगभग पूरा होने जा रहा है इस पारी का। इन 6 सालों में हमने हरियाणा को नया हरियाणा बनाने के लिए अपने भरसक प्रयत्न किए। जितनी हमारी सोच थी, जितना हमारा प्रोग्राम था, जो हमारी नीति थी, उसको ध्यान में रखते हुए विकास के काम बहुत किए, व्यवस्था परिवर्तन के काम बहुत किए और जो एक गली छड़ी व्यवस्था हमको 2014 में मिली थी उसको परिवर्तन करने के लिए अनेक सुधार कार्यक्रम हमने किए हैं। और अभी सब हो गया ऐसा नहीं है, लगातार उसमें अभी भी लगे हुए हैं और हम लोग इसको करते हुए इस वर्ष के बारे में अगर मैं कहूं तो 25 दिसंबर 2019 को मैंने घोषणा की थी कि हमारा 2020 का जो वर्ष है ये सुशासन संकल्प वर्ष रहेगा। ये बात अलग है कि कोई पूर्वाभास बात नहीं था कि इस वर्ष में ये महामारी झेलनी पड़ेगी। निश्चित रूप से इस कारण से जो हम करना चाहते थे उस गति से उतना नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बहुत से काम हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। एक पारदर्शी सरकार, एक भ्रष्टाचार विहीन सरकार और किस प्रकार से लोगों के मन में आकांक्षा जागे कि हरियाणा के साथ उनका संबंध जुड़े, जो हमारी मूलभूत ऐसे रूप हैं इस राजनीति के जो हरियाणा को